हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है, सी बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे पेंशन सेक्टर के बारे में, जो कि हिंदुस्तान में आपका किस बेसिस का पेंशन सेक्टर चल रहा है। और इसी से रिलेटेड जो अभी नई न्यूज़ जो आई है वो ये है कि 8वां ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो है वो मुंबई में आपकी हेल्ड होगी, सॉरी मुंबई कह रही हूँ, दिल्ली में आपकी हेल्ड होगी मई 2023 में। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो केसेस हैं जगह जगह के वो यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होंगी ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और पेंशन सेक्टर कैसा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा उससे रिलेटेड लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में करेंगे कवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए ना कि आदमी आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लेकर आया है। ठीक है, अब इस ऑफ़र में क्या है कि मान लीजिए आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 2 साल का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड इस्तेमाल करना AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ये कोड इस्तेमाल करने से। और साथ ही साथ यहाँ पर लिमिटेड ऑफ़र है, लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। ओके, चलिए इसके बाद अन अकेडमी आप लोगों के लिए 2 बैचेस लेके आया है, आरंभ और लक्ष्य बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन आप लोगों के लिए है ऑफलाइन कोर्स फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो बात करी जा रही है आपके ऑल इंडिया पेंशन अदालत के बारे में, जिनको लिंक किया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पर आपकी पेंशन अदालत जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है हमारी मिनिस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, अक्रॉस द इंडिया। अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। और पेंशन अदालत इनिशिएटिव जो है वो आपका स्टार्ट किया गया था एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, वो भी 2017 में आपके डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा। ठीक है, अब देखो ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। और अभी आपका EPFO का पेपर आने वाला है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यही चीज़ देखो, 2018 में नेशनल पेंशन अदालत जो थी उसको हेल्प किया गया था बाय लेवरेजिंग दी टेक्नोलॉजी स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए पेंशनर्स की ग्रेवियंसेस से। मतलब देखो, जितने भी लोगों को यहाँ पर पेंशन मिलती है उनके कोई ना कोई इश्यूज़ यहाँ पर रहते हैं, कभी किसी की पेंशन टाइम पर नहीं जा रही है या कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, तो उनके लिए यहाँ पर आपकी पेंशन अदालत को सेटअप किया गया था। ठीक है, और बस दिमाग में यही चीज़ थी कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। अब टिल डेट 7 ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो थी उनको ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी आपके डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा, जिसमें करीब आपके 24,218 केसेस जो थे वो लिए गए थे, जिनमें से आपके 17,235 केसेस जो थे वो रिजॉल्व हुए। मतलब बाकी बचे आपके कुछ केसेस जो थे वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, अब उन केसेस के लिए यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों के जो केसेस हैं हम उनको रिजॉल्व करें, है ना जी। और यहाँ पर इतने मतलब लोग हैं जो कि यहाँ पर पेंशन की वजह से, जिनका आप देखो रिटायरमेंट के बाद उनका क्या सहारा है, पेंशन ही तो है। बहुत सारे जो लोग हैं ओल्ड एज में हैं उनके बच्चे तक उन्हें छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, पेंशन का ही सहारा है। तो उसके लिए यहाँ पर इनके केसेस जल्दी से रिजॉल्व हो जाएँ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, वो भी सुपरविजन के लिए और रेगुलेशन के लिए पेंशन हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके से यहाँ पर इसका प्रोसेस चलेगी। ठीक है, ये ऑपरेट करता है अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, विच इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, OSS, यानी कि एन एक्रोनियम फॉर ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी रिपोर्ट। ठीक है, सो सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के बेसिस पे, मान लीजिए अगर आपको अच्छी खासी उम्र आपकी बीत गई एक जगह काम करते करते और आप रिटायर हो जाते हो, तो रिटायरमेंट के बाद आपका सहारा कौन बनेगा, तो इसीलिए सरकार यहाँ पर पेंशन देती है आपको। आपने इतने टाइम वर्क किया है सो यू विल बी गेटिंग पेंशन एज पर योर सैलरी, उसी बेसिस पे यहाँ पर आपको पेंशन जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्न किया जाता है बाय योर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2013।
इसके बाद आप देखो अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल इज नेशनल पेंशन सिस्टम. तो नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 में इंट्रोड्यूस किया था. ये प्राइमरी पेंशन सिस्टम था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है ये. एनपीएस सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है विद को कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो वैल्यू ऑफ पेंशन है दैट इज कॉर्पस एंड इट इज मार्क टू मार्केट एंड अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर दैट इज मार्केट डिटरमाइंड. 2009 में एनपीएस यानी कि आपका नेशनल पेंशन सिस्टम को एक्सटेंड किया गया था टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जिनकी एज ग्रुप है 18 से 70 साल के बीच में, और इसमें आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो थे वो भी यहाँ पर आपके इंक्लूडेड थे, दैट टू ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. एक एक पॉइंट को यहाँ पर याद रखना, ठीक है. अब 2011 में आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया था एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल 2011 में, इस चीज़ को याद रखना, जिससे कि हम प्रोवाइड कर सकें नेशनल पेंशन सिस्टम टू ऑल दी एम्प्लॉयज़ जो कि कॉरपोरेट एंटिटीज़ में हैं, ठीक है. अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अटल पेंशन योजना आपकी आई, ठीक है. अब अटल पेंशन योजना आपकी 2015 में आई और ये जो स्कीम थी ये अप्लाई करती थी हर एक इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष की है, ठीक है. अब एम्फेसिस यहाँ पर था इनका अंडर प्रिविलेज्ड अनऑर्गेनाइज्ड और लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती. तो जो सब्सक्राइबर थे उनको यहाँ पर रिसीव होगी पेंशन बेनिफिट जैसी उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, और जो पेंशन बेनिफिट रहेगा अंडर दिस पर्टिकुलर योजना वो एक्सपेक्टेड होगा टू स्टार्ट फ्रॉम 2035 ऑनवर्ड्स, ओके. तो ये हमें आपकी अटल पेंशन योजना में देखने को मिला. ऑलराइट, चलिए. सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा पेंशन के बारे में, ठीक है. हाउ द जो पेंशन का पूरा सिस्टम है वो किस हिसाब से चलता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और अभी ये न्यूज़ में क्यों है. ऑलराइट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर ईपीएफ एग्जाम. सो मार्केट इंपॉर्टेंट, और एक एक चीज़ को यहाँ पर ढंग से समझ लेना बस, ठीक है जी. चलिए, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, देखो है ना, शेयर भी कर देना, और आई होप अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय एवरीवन.